हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप स्क्रीन पे तीन नंबर देख रहे हैं, 1, 2, 3। आप अपने पार्टनर का ध्यान करके किसी एक नंबर को चूज करिए और उसी नंबर के कार्ड की प्रिडिक्शन आप देखिएगा। टॉपिक है हमारे वीडियो का कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। आपके कोई भी पर्सन है, चाहे वो आपके एक्स हैं या प्रेजेंट हैं, जिनके बारे में आप सोचेंगे उनकी फीलिंग इस टाइम पे आपके लिए क्या है। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, सबके साथ मैच नहीं कर सकती। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड है। और ये वीडियो जो है ये किसी एक राशि के लिए नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं, आप एक नंबर चूज करिए। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए उनके लिए। कार्ड नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये है कार्ड नंबर 1। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है उनका है कार्ड द मून का। मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन या सिचुएशन है, कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा है, वाद विवाद हो रहा है। आपके पर्सन ये सोचते हैं आपके लिए कि आप दूसरों की बातों में आकर उनसे झगड़ा करते हो, या फिर उनसे किसी भी तरीके का आपका वाद विवाद है, या आप उनकी बात नहीं मान रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके बीच में या तो आपका कोई फ्रेंड सर्कल में से कोई है या आपकी फैमिली में से कोई है, और आप कान के कच्चे हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। बहुत टाइम हो गया आप लोगों के बीच में चीजें जो हैं सॉर्ट आउट करने की आप कोशिश करते हो, लेकिन वो हो नहीं रही हैं। आप लड़ना नहीं चाहते, आपके पर्सन आपसे लड़ना नहीं चाहते, इस रिश्ते को खूबसूरत बना के रखना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आपके पर्सन का ये स्ट्रांगली मानना है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है। तो ये कार्ड नंबर 1 की रीडिंग थी। अब हम देखते हैं कार्ड नंबर 2। जिन्होंने नंबर 2 चूज किया था उनका कार्ड है क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। बेटर है, आपके पर्सन आपको अच्छा मानते हैं, आपको ऑफर भी करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। उनका मानना है कि आप केयरिंग हो, ईमानदार भी हो, एक नेचर जो है आपका अच्छा है, बट फिर भी कुछ चीजें हैं थोड़ा सा वो फसी टाइप का समझ रहे हैं। कुछ मामलों में आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको जहाँ पे पोलाइट होना चाहिए आप वहाँ पे पोलाइट नहीं होते हैं, और उनका मानना है कि आपको काफी स्ट्रांग हो और हर तरह से आप समृद्ध हो, तो थोड़ी सी जेलस भी कह लीजिए आपके पर्सन आपसे फील करते हैं। हो सकते हैं कि आप एक ही ऑफिस में हो, एक ही बिजनेस में हो। कुल मिला के आपके पर्सन जो हैं आपको खुद से बेहतर समझते हैं, उनको लगता है कि आप अकेले सब कुछ मैनेज कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको अच्छा नहीं समझते, आपको बहुत अच्छा समझते हैं। उनका मानना है कि आप जिस भी इंसान के साथ में रहोगे उसकी बहुत ज्यादा केयर करोगे। तो जिन्होंने नंबर 2 चूज किया था ये उनका कार्ड था। अब आया है नंबर 3। जिन्होंने चूज किया है उनका है कार्ड 8 ऑफ कप का, जो कि ये बताता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि सब कुछ है, बावजूद उसके दूरी बन रही है आप लोगों के बीच में। प्यार है, अपनापन है, लेकिन वो एक बॉन्डिंग, एक कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए वो नहीं है। और आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो इस रिश्ते से क्विट करना चाहता है, या अभी थोड़ा सा सोच विचार करना चाहता है, इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि एक बॉन्डिंग, एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में, जो कि मिसिंग है कहीं ना कहीं। तो इसलिए आपके पर्सन जो है, या तो आपके पर्सन क्विट करना चाहते हैं इस रिश्ते से, थोड़ी देर बाहर जाना चाहते हैं, या फिर आप ऐसे हो कि इस रिश्ते में सब कुछ होने के बावजूद आपको वो कनेक्टिविटी या बॉन्डिंग फील नहीं हो रही है, इसलिए आप बाहर जा रहे हो। तो कुछ इस टाइप का है। प्यार बहुत है, देखिए कप का कार्ड है, तो प्यार बहुत है इस रिलेशनशिप में,
ग्रोथ भी है इस रिलेशनशिप में, बावजूद उसके जैसे मैंने कहा कि बॉन्डिंग, एक कनेक्टिविटी, एक कुछ ऐसी चीज जिसको आप बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो थोड़ी सी मिसिंग है, तो उसको बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये थे नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री की रीडिंग। आपके साथ में कितनी मैच करी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, हम सबके कमेंट देखते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।